हमारे साथ में एक्सपर्ट्स जुड़ते रहते हैं, और आज हमारे साथ में एक्सपर्ट हमारे साथ में फिर जुड़ रहे हैं, ऋषि गुप्ता जी। ऋषि गुप्ता जी पहले भी हमारे साथ में आ चुके हैं, इधर काफी समय से अभी छुट्टी पे थे, गोल्डस्टोन कैपिटल के एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ में वापस एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। ऋषि जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत समय बाद आपको देखा, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। एंड मैं धन्यवाद करता हूँ आपका इनवाइट करने के लिए। आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज हमारे मतलब देश में जरूरत है डिजिटल रेवोल्यूशन में कि आप लोगों को इंस्पायर करें कि वो और इन्वेस्ट करें, क्योंकि इक्विटी एक ऐसा माध्यम है जिससे कि लोग अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। मिसअंडरस्टूड है हमारे देश के अंदर, अभी भी मात्रा बहुत कम है, लेकिन जितने एक साल के अंदर अकाउंट्स खुले हैं, मेरी मोतीलाल में बहुत लोगों ने डाटा शेयर किया है कि ये अपने आप में एक हिस्टोरिक है। मोबाइल जी फोन होने से और लॉकडाउन होने से अकाउंट्स में मल्टीप्लिकेशन। और वही हमारा प्रयास है कि लोग जब घरों पे थे, लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन अनलॉक भी हो रहा है, लेकिन वो किस तरीके से घर में रह करके, सुरक्षित रह करके, और उसके बावजूद मुनाफा कमा सकते हैं, और उसमें आप पे जैसे एक्सपर्ट्स ही हमारी मदद करते हैं, तो इसलिए हम आपकी मदद उसमें जरूर लेते हैं। सबसे पहले तो सर, आपका व्यू मार्केट पे आज को देखते हुए, ओवरऑल व्यू लॉन्ग टर्म, एंड उसके अलावा आप हमारे लिए आज दर्शकों के साथ में क्या शेयर करना चाहते हैं, आपका कॉल। देखिए, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट के लिए, देखिए आप देखेंगे मार्केट निफ्टी लेवल लगभग डबल से ऊपर है, मतलब 74-7500 तक आई थी मार्केट मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, एंड ग्लोबल सेल ऑफ था, लिक्विडिटी इनकैशमेंट थी, एंड रिस्क ऑफ ट्रेड हुआ, और उसके बाद से मार्केट लास्ट आपके 15 मंथ से पॉजिटिव टेरिटरी में गई है, बेरिंग सम करेक्शंस एंड ऑल दैट। और जनवरी से तो बहुत अच्छा बाजार चला है, एंड थोड़ी सी छोटी मोटी करेक्शन आई है, लेकिन मार्केट का देखिए, मार्केट इज वेरी पॉजिटिव। जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक आपका एक टूल है, वार टूल या रिस्क ऑफ टूल है, जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आप इसलिए इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर ताकि वो कल वॉर हो या इन्फ्लेशन हो, तो गोल्ड एक ग्लोबल कमोडिटी है। इक्विटी क्या है कि इक्विटी की यूटिलिटी एंड प्रोडक्ट नहीं है। इक्विटी इक्विटी आप कंपनी की पार्टनरशिप बाय कर रहे हैं, ऑल दैट। तो ये अंडरस्टैंड करना है। और देखिए, बिजनेसेस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको ऐसी कंपनी लेनी है जो डेट फ्री हो या डेट कम हो, मतलब लेवरेज कंपनी ना हो। और लिवरेज भी देखिए, आप 2-3 साल के होराइजन में ले सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुके हैं। अभी मेरा मानना है यील्ड कर्व को देखते हुए 50 बेसिस पॉइंट हार्डन हो सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ में, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता या कोई थर्ड वेव नहीं आती है, तो वी विल सी इंटरेस्ट रेट इंडिया के परस्पेक्टिव में थोड़ा सा ऊपर मूव कर सकते हैं। तो ये राय मेरा तो है। ये मानना है कि अभी मतलब लॉन्ग टर्म, आप देखिए लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये इक्विटी होल्डर को बताना बहुत जरूरी है। 3 साल 3 से 5 साल के होराइजन में मार्केट लॉन्ग टर्म में तो अच्छी है, लेकिन करेक्शंस आते रहेंगे। आपकी एंट्री क्या है क्या नहीं है सिप मोड में। और देखिए, हर जैसे हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आपके पास कितनी वेल्थ स्पेयर है या आप सिप मोड में लगा रहे हैं। लोग क्या इक्विटी से डर जाते हैं, जैसे मार्केट नीचे गई और आप देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप 2018 में एक उसका अपर वेव आई थी, और उसके बाद से वो फॉर लास्ट थ्री थ्री इयर्स तक, मतलब मैं 2021 जनवरी तक बात कर रहा हूँ, दे डिडंट पार्टिसिपेट। अभी माइक्रो कैप स्मॉल कैप एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग, जिसका भी बिजनेस मॉडल ठीक है, एंड देखिए इसमें मैनिपुलेशन भी है, बहुत से फैक्टर्स है, बट मेजर फैक्टर यही है कि एक तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत है, एंड कंपनीज ने कॉस्ट कट करी है। मैंने डीपीजी से पहले भी 5-6 कंपनीज जैसे वेस्पर इंडिया, हिम्मत सिंह का, एंड बहुत सी कॉस्मो फिल्म, एंड वो यूफ्लेक्स सॉल्यूशंस पैकेजिंग फिल्म, सबके ऊपर किया था। वो सारी की सारी कंपनी 2.5 गुना 3 गुना हो गई जिन रेट से हम
मेरा जब शो हुआ था लास्ट टाइम वहां पे कवर किया था। आज हमारे तो पास में आज आज हमारे दर्शकों के लिए आज कौन सा आप ऐसा शेयर करेंगे या इस तरीके के कुछ एक कंपनी? देखिए मैं शेयर से ज्यादा बताऊंगा कि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी बहुत अच्छा है क्योंकि लेवरेज आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज अ मेन थिंग। एंड डिजिटल कंपनीज में भी क्या है कि हमें ये देखना है कंपनीज कौन सी राइज कर गई हैं एंड अगर ज्यादा राइज नहीं करी है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया आप उनमें कर सकते हैं। अब एक कंपनी मैं बता सकता हूँ जिसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया और जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर होगी, लास्ट 5 ईयर से नहीं है, वो ITC लिमिटेड है। आई कैन शेयर दिस स्टोरी कि ITC का बिजनेस मॉडल बहुत रॉबस्ट है और वो इट्स नॉट अ सिगरेट कंपनी और टबैको कंपनी राइट नाउ, उसके पास बहुत कुछ है। कभी डी मर्जर की न्यूज भी आती है, डिविडेंड भी अच्छा है। ITC आप कह रहे हैं कि इस समय इन लेवल्स पे बाय किया जा सकता है? बिल्कुल बाय किया जा सकता है। ये देखिए क्या है कि ये लार्ज कैप कंपनी है, म्यूचुअल फंड एंड सेव कंपनी है। जब भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं तो मैं मेजरली ऐसी कंपनी बताता हूँ जिसमें लिक्विडिटी हो। हाँ मैंने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज कवर किया था और वेदांता, वो भी वहां से 3 गुना। तो देखिए इक्विटी मार्केट इज नॉट अ लीनियर मार्केट लाइक बॉन्ड मार्केट या फिर FD जो आपके फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं या फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स होते हैं, इट्स अ नॉन लीनियर। तो ITC का 5 ईयर्स का चार्ट निकालिए, तो आप देखेंगे इसने 5 ईयर्स में कुछ नहीं किया। दैट डजंट मीन कि ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में नहीं करेगा। आप अब इसके आगे की रैली जो बाजार और आगे चलेगा तो उसमें अब ITC पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाएगा क्योंकि ITC के अराउंड इतने सारे मीम्स बनते हैं, इतने सारे जोक्स बनते हैं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने शायद एक इस तरीके कहा नहीं था लेकिन मतलब उस तरीके का एक जोक था या मीम था कि उन्होंने ये वो रखी है डिमांड की इसको तो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देना चाहिए, रिटर्न के अंदर में लिखा जाए कि ये मेरी इमोवेबल एक तरीके का रियल एस्टेट एक प्लॉट है जो कि कभी हिलता नहीं है, उस तरीके से ITC का शेयर है। तो उस तरीके की बहुत सारी चीजें मजाक में चलती हैं, बट यू आर कॉन्फिडेंट, आप ये कह रहे हैं कि ITC यहाँ से बाय करके और आगे आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफा दे सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है? बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है। देखिए मैंने मतलब से बोला लीनियर नहीं है इन्वेस्टमेंट के मुझसे, देखिए क्या है कि अभी जो सेक्टर्स चले हैं मेजरली अभी वो थे लेवरेज कंपनीज, अभी तक जिनके पास डेट था या टेक्नोलॉजी कंपनी से लिया। ITC क्या है कि इसकी सबसे बड़ी स्टोरी है डी मर्जर। जब भी डी मर्जर इसका अनाउंस होगा अगर ये तो ये यहाँ से नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2-3 times हो सकता है। ठीक है ऋषि जी, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बात कर रहे थे और हमारे एक दर्शक हैं पूछ रहे हैं सेंचुरी एन का पूछ रहे हैं शायद, या सेंचुरी एन का तो मेरे ख्याल से टेक्सटाइल नहीं है, सेंचुरी टेक्सटाइल अलग है। हाँ जी हाँ जी, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं वो सेंचुरी एन का पूछ रहे हैं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था तो इसलिए मैं लगा कि ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से कोई ऐसा कैंडिडेट जो आप सजेस्ट करेंगे कि जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा दे सकता है? देखिए एक तो वेल्सपन इंडिया है क्योंकि क्या कि एक्सपोर्ट कंपनी है एंड इसका मेजरली USA UK से आता है बिजनेस जी, एंड प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है गोइंका जो गुजरात से है, एंड बीइंग एक्सपोर्ट कंपनी इसको सबसे बड़ा बेनिफिट है चाइना का इस समय, क्योंकि चाइना लगभग वेस्टर्न कंट्रीज कुछ इमोटिव इश्यूज भी है, दे आर नॉट बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, तो चाइना का एडवांटेज वेल्सपन इंडिया को मिला है। और जो करेंसी का एडवांटेज था, हमारी करेंसी भी काफी डेप्रिशिएट कर गई है तो उसका एडवांटेज भी वेल्सपन इंडिया को है, तो ये भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ऋषि जी मेरे को एक चीज बताइए कि जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ सेक्टर्स और लॉन्ग टर्म और ये वाली चीजें तो ITC सेक्टर, हाँ सर आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, 94 रुपीस पे है ना ये जी, 94 तो, रुपीस इस सब में तो ये पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक इतना, मतलब जितने और कंपनीज करे हैं आप देखेंगे जो नीचे की कंपनीज रही है। देखिए मेरा ये मानना है कि रिटेल को कभी भी एक ना ऐसी कंपनीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप जैसे वीडियो कॉन इंडस्ट्रीज को देखोगे, मेरे पास कॉल आया है एक इन्वेस्टर का कि वीडियो कॉन इंडस्ट्रीज इसने ले लिया वेदांता ने
तो मैंने 2 लाख शेयर लिए थे, आज वो जीरो हो गया जीरो और वो मुझसे बहस कर रहा था, मैंने कहा बेच दे। उसके बाद उसने सर्किट मारा, तो अब आपको पता है डिटेल कि क्या वो होती है। देखो सर सर्किट मार दिया, आप कह रहे थे बेचने के लिए, तो मैंने कहा देखिए लेट द मनी रीच बिग पीपल, यू शुड नॉट प्ले विद फायर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप देखेंगे DHFL में क्या हुआ, ऐसी कंपनीज में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसने प्रमोटर ने आगे बोला मैं 91,000 करोड़ दे दूंगा, कहां से दे देगा, पैसा पेट में लगता है क्या? ऐसे वीडियो कॉन इंडस्ट्रीज में ये अनिल अग्रवाल जी ने बेट किया, नहीं तो वेरी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कहां से वो मतलब वीडियो कॉन, उसमें NCLT के ऑर्डर में भी लिखा होता कि जीरो वैल्यू है, ये गार्डन सिल्क में हुआ। तो मेरे से ना वो लगभग एक आर्ग्यू से ज्यादा कि आई हैव वन, तो उसने सर्किट मारा, ही वाज वेरी हैप्पी कि वन लाइक 80,000 रुपीस का मारा, टुडे ही इज लूजिंग 6.5 लाख अराउंड। तो ये स्टोरी है आपके साथ। लेकिन ऐसे स्टॉक्स से जो कि बड़े कॉर्पोरेट्स की लड़ाई में हैं या किसी इस तरीके के कॉर्पोरेट इश्यूज में फंसे हुए हैं, उनसे दूर रहने में ही भलाई है, ये कह रहे हैं ऋषि जी। ठीक है ऋषि, एक मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आईपीओ सेक्टर को, आईपीओ के जो नए अभी जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं या अभी जो आईपीओ का बाजार एक गर्म हो रखा है कि हफ्ते में बहुत सारी लिस्टिंग्स और इस तरह की चीजें, उसमें कहीं कुछ आपको कोई स्कोप दिखाई देता है या किसी चीज को आपने ट्रैक किया है उसके अंदर में कुछ डिस्कस कर सकते हैं? देखिए इस समय आईपीओ सारे हीटेड अप है, आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कीजिए लेकिन आईपीओ में आप निकल जाइए, ज्यादा लंबा मत। कि आईपीओ पहले ही इतनी हीटेड अप मार्केट में आपको सस्ते नहीं मिलेंगे, बल्कि सेकेंडरी मार्केट में बहुत से स्टॉक्स हैं जो सस्ते हैं, आपके PSU कंपनीज हैं, आपकी PFC है बहुत सस्ती है। अरे मतलब कंपनीज की कोई वो नहीं है क्योंकि बास्केट बहुत बड़ी है इस समय। ठीक, ये राय है ऋषि जी की कि आईपीओ में जाइए, आईपीओ को भरिए और उसके लिस्टिंग के बाद में मुनाफा निकाल करके कमा करके उससे निकल जाइए, क्योंकि अभी उसके आगे के हिसाब से अभी इनकी राय नहीं है ऋषि जी की। लेकिन हम लोग आईपीओ पे एक स्पेशल शो भी कर लेते हैं, तो एक अलग से हम एक सेगमेंट बना लेते हैं ऋषि जी को। नहीं डिपेंड, देखो आईपीओ आप मुझसे स्पेसिफिकली बात करेंगे तो बहुत डीपली देखना पड़ेगा। मैंने आईपीओ मैक्रो बेसिस पे बोला है, बहुत मैक्रो स्टेटमेंट नहीं है कि हम भी काम करते हैं। मुझे आज की डेट में कोई भी बंदा अगर 15,700 के बाजार पे लेके आएगा तो आईपीओ महंगा लेके आएगा, सस्ता नहीं लेके आएगा, उसकी ऑप्टिमम वैल्यूएशन होगी। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट घुसी होती है, बहुत से लेगेसी इश्यूज होते हैं या बिजनेस पता चल जाता है, तो उसमें मार्केट में करेक्शन, आज भी कुछ स्टॉक्स हैं जो 50-60% नीचे मिल रहे हैं आपको, लेकिन अगर वो आईपीओ आएगा तो वो 50-60% नीचे नहीं होंगे। ठीक है ऋषि जी, आपने यूफ्लेक्स हमारे दर्शकों को दिया था काफी समय पहले और वहां से बहुत अच्छा मुनाफा भी हो चुका है, लेकिन अभी क्या राय है, क्या इसमें बने रहे या निकल जाए, आगे के लिए अब कैसा दिखता है यूफ्लेक्स? हाँ यूफ्लेक्स अच्छा है, यूफ्लेक्स अच्छा है क्योंकि पैकेजिंग देखिए क्या है कि पैकेजिंग फिल्म जिंदल जैसे सबने पार्टिसिपेट किया है, इस पे आप 600 रुपीज तक आएगा निकल जाइए नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, यूफ्लेक्स टू 9 मंथ। ठीक है यूफ्लेक्स में ऋषि जी की राय है कि 600 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अभी भी बने रहिए, लेकिन 600 के आसपास निकल जाइएगा। ठीक है बहुत शुक्रिया ऋषि जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और अपनी राय रखने के लिए दर्शकों के साथ में, अपने ओवरव्यू और सारे बहुत सारे सेक्टर्स पे बात करने के लिए और लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजी देने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा यही है लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और देखिए आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉनिक दिए हैं उस समुन्द्र के अंदर, वही होना चाहिए जो आप राह दिखा रहे हैं, और इक्विटी का ये दीप जलता रहे लोगों के घर में, इसको इसको इस तरह ना देखे कि जुआ है, देखिए आपके सामने है, अरे ये तो जुआ है, पब्लिक परसेप्शन हैज टू चेंज। हम फिक्स डिपॉजिट पे लगाते हैं, आज रियल एस्टेट पे लगाते हैं, इक्विटी में क्यों नहीं पैसा लगाते? वो भी पैसा कहीं ना कहीं घूम करके वापस वहीं आता है, तो जब हम FD में देते हैं और बैंक को देते हैं तो बैंक भी कहीं ना कहीं वापस इन्वेस्ट ही करता है, उसको भी किसी ना किसी को लोन पे देगा, किसी कंपनी को इंटरेस्ट वाला। देखिए आप प्रमोटर को देते हैं, प्रमोटर क्या करता है? हाँ प्रमोटर को देते हैं, बैंक प्रमोटर को ही देता है ना अल्टीमेटली, और वो ला करके वापस बिजनेस में ही लगाता है उस पैसे को, इक्विटी में तो लगाता है जी। तो आप इस स्टोरी के अंदर, इंडिया स्टोरी में पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि इंडिया की ग्रोथ देखिए, आज डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी ने इंडिया को मतलब वर्ल्ड को ही बचाया, एंड आपको देखना है अभी देखिए बहुत पेंट अप डिमांड है, ऑटो सेक्टर की बहुत डिमांड है, मैं अभी लग्जरियस कार्स की बात नहीं कर रहा, एंड सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट,
यहां से अगर 100 बेसिस पॉइंट भी इंटरेस्ट रेट हार्डन हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स तो भी बाजार गिरेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना नीचे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, फिर आपके पास आएंगे और तसल्ली से एक बार और चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कौन से स्टॉक्स हैं, और आप थोड़ा सा डिटेल्स के साथ में और हम लोग आपके साथ में मिलकर के एक अच्छा सा शो बनाते हैं, तो फिर आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। थैंक यू अलेक्जेंडर। थैंक यू।